तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज के दिन हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तड़कता फड़कता हमारा सर्वाइवल सीरीज। ये हमारी नई सर्वाइवल सीरीज होने वाली है, एकदम ब्रांड न्यू। और ऐसे ही मस्त मस्त माइनक्राफ्ट के वीडियोज लाने के लिए फटाफट से जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एकदम फ्री। आपको तो बस क्लिक ही करना है। और आप अभी देख सकते हो कि मैं आपके सामने वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ। तो फटाफट से वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। और हो गया है वर्ल्ड क्रिएट, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। विलेज के सामने स्पॉन हुए तो थोड़ा ठीक है भाई, लेकिन नहीं, किस्मत ही ऐसी है यार, पहाड़ के पास ही स्पॉन कर देते हैं मेरे को बार बार। तो माइनक्राफ्ट का सबसे पहले हम लोग को वुड तोड़ना रहता है, तो वुड ही तोड़ेंगे। पहले थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते ताकि विलेज मिल जाए हमको। मेरे को तो लग रहा है ये आगे के प्लेन्स में होगा विलेज, या फिर इधर होगा। कोई बात नहीं, डायरेक्शन हम चूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टूल्स बनाते वुडन के। तो फटाफट से मैं जो है वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। तो टूल्स बन गए वुडन के मेरे, पिकेक्स सॉर्ड और एक्स ही बनाए अभी तो मैंने। बाकी तो स्टोन के टूल्स बनाने ना, उसके लिए मैंने अभी थोड़े ही टूल्स बनाए। तो फटाफट से अभी चलते डायरेक्शन चूज़ करने के लिए। तो ये और ये डायरेक्शन हम जो है चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उधर भी पीछे के लिए प्लेन है, इधर के लिए भी पीछे के लिए प्लेन ही है, सेम टू सेम ही है सब। तो विलेज में तो प्लेन होता ही है, उसके लिए तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 100 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा। हाँ इसमें ही आया, चलो इधर ही चलता हो। अरे बाप रे, अभी कूद जाता नीचे मैं इधर ही मर जाता। हाँ नहीं तो आगे कुछ रास्ता ही नहीं था, साइड साइड से बाजू से होके चलते भाई। अभी मैं कूद जाता वहाँ से, मेरे को लगा रास्ता है आगे के लिए, मर ही जाता मैं अभी उधर से कूद के। और यहाँ पे शीप भी है तो मार लेता हूँ, क्या पता विलेज ना मिले तो बेड बनाने के काम आ जाएगा। तो थोड़ा खाना भी मिल गया है हमको इससे, भूख लगी तो कच्चा ही खा लेंगे, क्योंकि फर्नेस तो अभी नहीं है हमारे पास। धीरे धीरे हम अपग्रेड कर लेंगे खुद को। देखा मैंने बोला था ना, यहाँ पे आगे के लिए प्लेन है, पहाड़ से दिख रहा था। तो अभी सेफली नीचे से चलते हैं, गिर विर गए तो मर जाएंगे डायरेक्ट, इधर ही चालू होता ही मर जाएंगे। तो चलते फटाफट आगे के लिए, अभी तो बस विलेज की ढूंढना है। अगर विलेज मिल जाएगा तो उसमें डायमंड भी मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मतलब कि फूड का सोर्स अच्छा मिल जाता है विलेज में। तो फटाफट से आगे के लिए एक्सप्लोर करते हैं इसी डायरेक्शन में। वे ये क्या है भाई, मैंने विलेज का नाम लिया, विलेज मिल भी गया इतना जल्दी। मुंह के सामने मेरा स्पॉन पॉइंट था, और वो देखो मैं उधर स्पॉन हुआ था। भाई रुइंड पोर्टल भी है इधर, तो मुंह के सामने विलेज रुइंड पोर्टल है भाई। ये कैसा सीड मिल गया मेरे को, मैंने कुछ सीड वीड नहीं डाला है भाई, देख लो मुंह के सामने विलेज और रुइंड पोर्टल दोनों एक साथ है भाई, मज़ा ही आ गया। मज़े से पहले थोड़ा पेट पूजा भी हो जाए, तो फटाफट से इसको मार लेते हैं। अब चलते विलेज के अंदर भाई, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ ही विलेज मिल गया मेरे को बिना कोशिश किए। तो फटाफट से विलेज के अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे रुइन पोर्टल के लिए, देखते हैं उसमें क्या है। ज़्यादातर मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास लूट होगा, कभी कभी गोल्डन एप्पल मिल जाता है, देखते हैं। तो अभी फ्लिंट एंड स्टील का जुगाड़ हो गया है, और ऑब्सीडियन तो मिल ही जाएगा कभी ना कभी, तो उससे हमारा नेदर पोर्टल हम बना लेंगे। और आगे आप देख सकते हो आयरन गोलम भी है, आयरन का भी जुगाड़ हो गया थोड़ा। और बाकी ये घर में रुक लेते हैं हम, रिस्पॉन पॉइंट मैंने सेट कर लिया है बेड में, बेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। और बाकी अब विलेज को लूटते हैं। ये ऐसे ऐसे घरों में ना ज़्यादा मतलब कि चेस्ट होते हैं, तो एक सेकेंड इस घर में भी तो फिर चेस्ट होगा। एक सेकेंड है क्या इसमें, हाँ इसमें है, मैं देखा ही नहीं चेस्ट, मैं तो रिस्पॉन पॉइंट सेट करके चला ही गया। तो ब्रेड लेते हैं और एप्पल लेते हैं, पटेटो वटेटो मैं नहीं ले रहा, कौन उसको पकाएगा बैठ के। तो फटाफट से अब चलते हैं दूसरा घर लूटने के लिए, भूख भी लगी है, मैं एप्पल खा लेता हूँ फटाफट। और इसमें ना बहुत कम, छोटा सा विलेज है और घर भी कम है, तो कोई बात नहीं फिर भी हम लूट लेंगे। तो दो ही घर में ये सब थे, तो मैंने सोचा फार्मिंग भी कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे हे बेल भी है, तो हे बेल है ना, तो ब्रेड का भी इंतज़ाम हो गया ना, अब तो बस आयरन चाहिए आयरन गोलम को मार के।
तो फटाफट चल लेते हैं अपनी एक्स और अभी इसको मजा चिखाएंगे हम। हाँ आ जा इधर, ओए गुल्लू आ जा इधर आ जा। हाँ इसका आँखें हमेशा मतलब हमेशा लाल रहता है इसका आँख, पता नहीं क्यों गुस्से में रहता है ये हमेशा। हाँ गुस्सा क्यों है बोल, अभी देख देखो मौत के घाट ही उतारता हो डायरेक्ट, मर जा मर जा। अरे इतना लोहे का बनता है, मरता ही नहीं, मर जा यार मेरा एक्स टूट जाएगा भाई। अरे मर जा, हाँ मर गया फाइनली, नहीं तो मेरा एक्स ही टूट जाता अभी। देखते कितना आयरन ड्रॉप किया, मेरे को तो लगता है 4-3 किया रहेगा, तो देखते उठा के पहले ये वुड ले लूँ, क्योंकि वुड अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट भी है वो हम लोग के लिए। ले अरे भाई साहब 5 आयरन दे दिए, काम बन गया यार भाई, मज़ा ही आ गया। अभी फ़िलहाल मैं एक फार्म को निपटा दे रहा हूँ ताकि मेरे को वुड का सोर्स मिल जाए। यहाँ पे आसपास में ट्री है लेकिन बहुत दूर है, अब उतना दूर कौन जाएगा। अब मेरा प्लान है इन दोनों घर को कनेक्ट करने का, मेरे रिस्पॉन्स सेट वाले घर से ये ब्लास्ट फर्नेस वाले घर को, दोनों को कनेक्ट करने का प्लान है। तो फटाफट से पहले मैं खोद लेता हूँ, फर्स्ट एपिसोड में ही हम अपना घर बना लेंगे छोटा सा। और ये घर ऐसे ही नहीं रहेगा, जैसे जैसे हमारे पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेस आएंगे ना, हम इस घर को तोड़ के अपग्रेड करते रहेंगे। समझ रहे हो ना, अच्छा अच्छा घर बनाते रहेंगे हम इसी घर में, एक ही घर से नहीं रहेंगे भाई, एक को बनाएंगे एक को तोड़ेंगे, अच्छे से मस्त रहेंगे। तो प्लेटफॉर्म तो बन गया, अब नीचे का प्लेटफॉर्म बनाते फटाफट से, तो स्लैब से कर रहा हूँ ताकि कम ज़रूरत पड़े। और हमारा घर बन गया है कुछ इस तरह से, आधा वुडन आधा कबल स्टोन का वुड की कमी पड़ गई तो मैंने कबल स्टोन से ही कर दिया भाई, अब कौन जाएगा उतना तोड़ने। तो ये था आज का हमारा सर्वाइवल सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें हमने बना लिया है घर, और आने वाले एपिसोड्स में हम दूसरा कुछ भी करेंगे, आर्मर वर्मर बनाएंगे, रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे। तो ऐसे ही अमेजिंग माइनक्राफ्ट की वीडियोस के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है आपको तो बस क्लिक ही करना है, तो उतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी माइनक्राफ्ट के इस तरह से। बाकी मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।